नमस्कार दोस्तों, नरेश मित्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले विद्या संबल योजना 2022 के बारे में। तो विद्या संबल योजना 2022 के तहत युवाओं के लिए 93,000 पदों पर भर्ती पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि इसके आवेदन कब से शुरू होंगे और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो इसके लिए आवेदन बता दूं कि 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे। और विद्या संबल योजना के लिए आपको बता दूं कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली चल रहे पद पर अब बेरोजगार अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूम में लगाया जाएगा। इससे पहले इन पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इसमें रुचि नहीं लेने के कारण शिक्षा विभाग को विद्या संबल योजना में बदलाव करना पड़ा है। अब बीएड और रीएड की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसमें। और राजस्थान की 64,781 स्कूलों में लगभग 93,147 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन पर अब गेस्ट फैकल्टी के रूम में शिक्षक लगाए जाएंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको बता दूं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदक के साथ योग्यता, यानी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे अपने को, और अभी तक का आधार कार्ड, जो लेटेस्ट आधार कार्ड है वो लगाना पड़ेगा, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव संबंधी यानी अनुभव प्रमाण पत्र कोई भी है, और राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र जो भी है, विकलांग प्रमाण पत्र, शिक्षा क्षेत्र संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र तो लगाना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।